शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव जी की शहादत दिवस के अवसर पर माल्यार्पण किया। देश के तीन अमर शहीदों को याद कर समाज सेवी सिंघेश्वर मंडल ने शहीद भगत सिंह को माल्यार्पण कर स्मरण किए। उन्होंने कहा, आज के दिन शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। देश तीनों स्वतंत्रताओं की स्मृति में आज शहीद दिवस मना रहा है। ब्रिटिश सरकार ने तीनों क्रांतिकारियों को 23 मार्च के दिन फांसी के फंदे पर लटका दिया था। भगत सिंह की शहादत के बाद से ही देश में स्वाधीनता संग्राम के लिए आंदोलन तेज हो गए थे। तीनों क्रांतिकारियों ने अत्याचारी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। भारत माता के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। युवाओं के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव आज भी सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। जनता के बीच तीनों बेहद लोकप्रिय हैं। मैं आपके माध्यम से, मैं इनके मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ पूरे देश के नौजवानों को कि जिस तरह शहीद भगत सिंह ने देश के लिए लड़ाई लड़ा, अंग्रेजों को पछाड़ा और हंसते खेलते फांसी पर लटक कर दुनिया को दिखा दिया भगत सिंह ने कि मैं देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और खुशी खुशी फांसी पर लटक के इस देश को, नौजवानों को आगाह कर दिया कि बनो तो भगत सिंह बनो। और मैं भी कहूँगा इस स्मारक के स्थल से कि देश के और नौजवानों, और अब आगे बढ़ो और शहीद भगत सिंह की तरह लड़ो और संघर्ष करो और भ्रष्टाचार को खत्म करो। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साहिबगंज, झारखंड से महेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट।